लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी बिहार की राजनीति जातीय जनगणना को लेकर गरमाई हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम से मिलकर निकले तो भरोसा जताया कि सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी तो जातीय जनगणना के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में अब क्या होगा? क्या जातीय जनगणना के लिए माइनस बीजेपी समीकरण तैयार हो रहा है? जातीय जनगणना के लिए बदलेंगे समीकरण, बगैर बीजेपी के तैयार होगी जनगणना नीति। जेडीयू और आरजेडी की मांग के साथ नहीं है बीजेपी। 45 मिनट की गुफ्तगू और निकला क्या? निकला ये कि फिलहाल तेजस्वी पदयात्रा नहीं करेंगे और सरकार जातीय जनगणना जरूर करवाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? बीजेपी तो तैयार नहीं है, तो क्या बगैर बीजेपी को साथ लिए जातीय जनगणना होगी? लग यही रहा है। जातीय जनगणना वक्त की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जिनको इस कारवा में रहना है रहें, जिनको नहीं रहना है बाहर जाएं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें बहुत बेचैन आत्मा होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बेचैन आत्मा की तरह बोल रहे हैं, ट्रेन की बात बोल रहे हैं कि ट्रेन चलेगी या खुल जाएगी, तो ट्रेन का इंजन कहाँ है, ये भी उनको गरेबा में झांक के देखना चाहिए। जेडीयू ने संकेत दिए कि बीजेपी अकेली रह जाएगी, तो बीजेपी भी संदेश दे रही है कि ट्रेन का इंजन किसके पास है। तो क्या आमने सामने की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी में हो रही है? क्योंकि कास्ट सेंसस का मसला ही ऐसा है। एक बार तो बात की जाएगी कि सब लोगों ने साफ पारित किया है मिलकर के सदन में, अगर जो लोग नहीं आएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। बीजेपी अगर स्वतः माइनस हो जाएगी तो उसको कौन रोकेगा? हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग साथ आइए, लेकिन बीजेपी फिर भी अगर माइनस होना चाहते तो बीजेपी का विषय है। जो जातीय जनगणना के पक्ष में है वो सरकार एक हो, और जो जातीय जनगणना के खिलाफ है वो बाहर हो। तो भारतीय जनता पार्टी के बिना बिहार में जातीय जनगणना हो, और भारतीय जनता पार्टी के बगैर बिहार में सरकार हो। दरअसल देखा जाए तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब तक जेडीयू आरजेडी आक्रामक है, तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में रही है। लेकिन बीजेपी के हालिया बयान के बाद सत्ताधारी दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव तेज हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध किया तो उसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ना निश्चित है। अगर माइनस बीजेपी जातीय जनगणना का फैसला किया गया तो तय मानिए कि बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। खासकर ओबीसी और एससी एसटी वोटर्स के बीच मैसेज नेगेटिव जाएगा। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? तय उसे करना है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।